महिलाओं को पीरियड के समय काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि पीरियड के समय ब्लीडिंग ज़्यादा हो या ज़्यादा समय तक हो तो उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसी तरह की प्रॉब्लम मेनोरिया, आज हम मेनोरिया के बारे में बात करेंगे। मेनोरिया क्या है, इसके कारण, लक्षण एवं इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। मेनोरिया, इसको मेनोरेजिया भी बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मेनोरिया क्या है। जब एमसी का समय 5 दिन से अधिक होता है या 5 दिनों में ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल तरीके से ज़्यादा ब्लडिंग होने लगती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्लडिंग के साथ साथ ब्लड के कतरे भी बाहर निकल आते हैं, इसी को हम मेनोरेजिया बोलते हैं। चलिए सबसे पहले इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो एमसी का समय 5 दिन से अधिक होता है और यदि इन 5 दिनों के अंदर भी यदि ब्लडिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सबसे बड़ा इसका लक्षण होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ आने लगती है, ये इसमें थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है, कमजोरी के कारण काफ़ी वीकनेस हो जाती है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा लक्षण है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये निचले हिस्से में जहाँ पर पेल्विस होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा एडन की प्रॉब्लम होने लगती है। नॉर्मल तरीके से एमसी में रात में पेट बदलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यदि आपको ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है तो रात में पेट बदलना पड़ सकता है, ये भी एक इसका बहुत बड़ा लक्षण है। कभी कभी सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, मानसिक तनाव में चिड़चिड़ापन होने लगता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिमाग पर टेंशन हो जाती है, तो ये सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। चलिए इसके कारणों के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का असंतुलित होना जिसके कारण मेनोरेगिया की प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है कि मेनोरेगिया की प्रॉब्लम होने लगती है। गर्भाशय में किसी प्रकार की गठान की प्रॉब्लम हो जाती है, फिब्रॉइड की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कारण भी मेनोरेगिया की प्रॉब्लम होने लगती है। गर्भाशय एवं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण भी आपको मेनोरेगिया की प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी प्रकार की एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ग्रुप की मेडिसिन ले रही हैं तब भी आपको मेनोरेगिया की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको किसी प्रकार की लीवर से संबंधित डिसीज है, आपको किसी प्रकार की किडनी से संबंधित डिसीज है या फिर डायबिटीज से संबंधित डिसीज है तब भी आपको मेनोरेगिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस तरह के लक्षण इस मेनोरेगिया की डिसीज में देखे जा सकते हैं। यदि आपको मेनोरेगिया की प्रॉब्लम के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप किसी गायनेकोलॉजी डॉक्टर को दिखाएं और वो हो सकता है वो किसी प्रकार की आपको टेस्ट के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, जैसे सोनोग्राफी वगैरह और अदर ब्लड टेस्ट के लिए भी आपको एडवाइस कर सकती हैं। तो आपको यदि किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले किसी गायनेकोलॉजी डॉक्टर से मिलें ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।